जनपद जालौन में अवैध खनन माफियाओं को किसी का डर नहीं है। रात के अंधेरे में ही अपना काम करने में लगे हैं। बालू ठेकेदार भी अवैध खनन माफियाओं का बखूबी साथ दे रहे हैं। बिना MM11 के और ओवरलोड मोरंग भरकर रात में ट्रक ट्रैक्टर फर्राटे भरते हुए खूब देखे जा सकते हैं। सरकार कोई भी आए लेकिन खनिज माफियाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी ने सोचा था कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो जरूर ओवरलोडिंग और अवैध मोरंग पर रोक लगेगी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। कोटरा से एट होते हुए बालू माफिया अपने ओवरलोड वाहनों से यह काम रातों रात करने में लगे हैं। जनता के लिए यह नजारा आम है, लेकिन स्थानीय एट और कोटरा पुलिस प्रशासन को यह सब दिखाई नहीं देता। बालू से लदे ट्रक और ट्रैक्टर रात में अपना व्यापार करने में लगे हैं और बिना MM11 के ही अपना काम कर रहे हैं। भले ही रात में चप्पे चप्पे पुलिस नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से तत्पर खड़ी रहती है, लेकिन ओवरलोड ट्रक ट्रैक्टर कैसे रोड पर निकल रहे हैं, यह भी जांच का विषय है। ओवरलोडिंग से न सिर्फ सड़कें खराब हो रही हैं, बल्कि करोड़ों रुपए के राजस्व को भी चूना लगाया जा रहा है। बालू को उठाने के लिए घनमीटर भी ठेकेदारों को बता दिए गए हैं, लेकिन उन्हें कितने घनमीटर बालू उठाना है उससे उन्हें कुछ मतलब नहीं, बस कागजों में औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। वहीं जब इस संबंध में प्रशासन से बात की जाती है तो इस तरह की गतिविधियों से साफ इनकार कर दिया जाता है। न्यूज़ BK के लिए जालौन से दुर्गेश कुशवाहा की रिपोर्ट।